नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 21 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले, ये प्रधानमंत्री का कल अपील है। और 14 अप्रैल तक आपसे घर से बाहर नहीं निकलना है। इसी बीच एक खबर निकल के सामने आ रही है मेरे सामने। नितेश पुष्करणा कांग्रेस पोखरण जैसलमेर राजस्थान से बने हुए हैं। सर पहले तो आपको नमस्कार, एसटीजी न्यूज चैनल पर आप आए। सर एक सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि आज की जिंदगी में जो ग्रोसरी का सामान है, ग्राउंड हकीकत हम देख रहे हैं बहुत भयावह रूप ले रहा है। जैसे कि जो किराना का सामान जो प्राइस से ज्यादा मूल्य पे बेचा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि क्या है? आपको क्या लगता है, जिस एरिया से आप आते हैं, ग्राउंड हकीकत आप बताइए, जनता को रूबरू कराइए इस बात से। बिल्कुल सर, सर ये बात काफी हद तक सही है। जहां तक मेरे को सुनने में देखने में आ रहा है, जो डेली यूज आने वाला किराना दूध सब्जी वगैरह का सामान है, उसकी कालाबाजारी होना शुरुआत हो गई है। इसके ऊपर सरकार को कड़ा प्रतिबंध लगाना होगा, ताकि ये समय जो महामारी का समय है, इस समय हमें हमको सबको एकजुट होके इस वायरस से बचाव के साथ साथ इस कालाबाजारी से भी बचना होगा, क्योंकि गरीब मजदूर जनता के ऊपर ये बहुत बड़ा भार पड़ेगा। शुरुआत ये भी हमारे को देखने में मिल रहा है कुछ स्थानों में, जहाँ सब्जियां ज्यादा भाव में बेची जा रही है, किराना दूध कई सामान हमें अधिक अधिक भाव में लोगों को मिल रहा है। जहाँ वस्तुएं किराने का सामान 1000 तक में मिलता था, वही सामान 1500 2000 तक में मिल रहा है। नितेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक चीज आप बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो गरीब के पास, जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, छोटे छोटे दुकानों पर काम करता है, उसके पास तो एक तो रोजगार भी नहीं है। दूसरी चीज सामान को महंगा हो जाना, उसके पास जो सेविंग है, आपको नहीं लगता कि वो कैसे वो घर को चलाएगा? एक तो कोरोना की लड़ाई उसको लड़नी है, एक भूख की भी लड़ाई लड़नी है, ये कहीं ना कहीं दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करे? इस समाज में किस तरह के, हमारा समाज का सोच किस टाइप के बनते जा रहा है? सही, आपका कहना बहुत, अभी का जो समय है ये महामारी के निपटने के साथ साथ गरीब मजदूर किसान जो ये लोग दिन में काम करते थे और उसी पैसों से अपना घर का खाना खर्चा गुजारा करते थे, उनके ऊपर ये बहुत ही अत्यधिक दुख की बात है कि अब भी सरकार को एक निर्णय और भी लेना होगा। एक पैकेज की व्यवस्था, एक उनके लिए किराना सामान की व्यवस्था उनको करनी होगी, ताकि ताकि मजदूर वर्ग को राहत मिल सके, उनकी उनमें उनकी जो किराने की खाने की वस्तु सामान का नियमित रूप से उनको मिल सके। और अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, इससे हालत और भी उनकी बेहतर रोकना चाहूंगा। नितेश जी एक चीज बताइए, अभी क्या ग्राउंड हकीकत आप देख रहे हैं, जो कि अभी जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है पूरे देश में लॉकडाउन करने की, क्या हकीकत आप देख रहे हैं आप अपने एरिया में जैसलमेर राजस्थान में? देखिए, लॉकडाउन कल प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की कल रात को घोषणा की है, और हम राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की लॉकडाउन की घोषणा 2 दिन पहले से ही हो गई थी। लॉकडाउन, आज जनता लॉकडाउन का पूरा सहयोग कर रही है। जनता अपने घरों में है, कुछ जो लोग हैं वो लोग जाते हैं दवाई की संबंधित या उनका जरूरी कोई कार्य है तो ही बाहर जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। और लॉकडाउन का पूरा समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकारों का पूरा समर्थन करके, और लॉकडाउन का जनता पूरा का पूरा सहयोग करती नजर आ रही है। कल मोदी जी ने कहा कि समर्थ से समर्थ देश, यानी अमेरिका इटली की बात कर रहे थे, कि हमारे यहाँ से वहां पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल अच्छे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन यही बचता है, सोशल डिस्टेंस? जी, हम बात करते हैं इटली की, तो इटली मेडिकल सेवा के अंदर अपना एक अहम योगदान रखती है। हाँ, वो विश्व में समर्थ है, आज के डेट में असमर्थ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि असमर्थ है, वो लोग भी, अमेरिका भी असमर्थ है। ठीक है जी, बस जी, हाँ, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जनता। हाँ जी, मैं यही बता रहा हूँ कि इटली जैसे देश जो अपना मेडिकल सेवा में अपना अहम योगदान, अहम स्थान रखती है, मेडिकल सेवा में अपना दूसरा स्थान रखती है, उस देश की भी ये हालत हो गई है। उस देश का मतलब प्रधानमंत्री को मतलब ये कहना पड़ रहा है कि अब हमारे बचाव के लिए अब भगवान ही है, हम भरोसे हैं। तो उसके बाद में हमारा भारत देश तो काफी मेडिकल सेवा में पिछड़ा हुआ है, 112 नंबर पर मेडिकल सेवा में हमारा भारत देश आता है, तथा उसकी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। इस समय हमें यही घरों में रहकर
लॉकडाउन का सहयोग करना, प्रधानमंत्री के हर एक ऐलान का सहयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जनता को रूबरू करने उन्होंने कराया कि 67 डेज में 1,00,000 इसके सस्पेक्टेड पाए गए, ठीक है, फिर इसके 11 दिन के अंदर 2,00,000 हो गए, और इसके आगे उन्होंने बताया कि 4 डेज में देखा गया तो ये आंकड़ा डबल हो गया, यानी 3,00,000 हो गए। तो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये बहुत एक महामारी, यानी देश से किस संकट में गुजरते जा रहा, पूरे वर्ल्ड की चिंता बढ़ गई है। नितेश जी, ये जी जी बिल्कुल, ये जो महामारी है ये हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की महामारी बन चुकी है। वर्तमान में इसका बचा भी उपाय है जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया लॉकडाउन का। इस लॉकडाउन से जरूर हमारा सुधार होगा। हम देख रहे हैं पिछले 12 घंटों में राजस्थान में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये सबसे लिए महत्वपूर्ण है, बचाव ही उपाय है। हमें लॉकडाउन का सहयोग करना होगा, हमें पार्टी या कंपनी किसी प्रकार से ऊपर उठ के सोचना होगा, क्योंकि व्यक्ति से बड़ी संस्था और संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र भी बड़ी मानवता है। हमें मानवता के लिए बात करनी होगी, हमें पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचना होगा, और पूरे विश्व को, भारत का ही नहीं पूरे विश्व को एकजुट होके लॉकडाउन और हर एक निर्णय का सहयोग साथ देना होगा। नितेश जी, आप लोग अपने एरिया में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आसपास में जो ऐसे लोग, थोड़े लोग हैं मनचले जो इस बातों को नहीं फॉलो रहे, समझ पाते हैं, उन लोगों को आप समझाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम संस्थाओं के रूप में, ग्रुप के रूप में, इन मोबाइल सोशल वर्किंग के रूप में हम उनमें जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, घरों में रहो, देश के हित में रहेगा, राष्ट्र के हित में रहेगा, सरकार में, प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सरकार जो भी इनके निर्णय लेती है उनके साथ रहेगी, तभी हम एकजुटता से इसके ऊपर विजय पा जाएंगे, इस खतरनाक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। नितेश जी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, और आप एसटीजी न्यूज चैनल पाए, आपने अपनी बातें रखी जनता के सामने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं और हम यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो भी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको हम यही संदेश देते हैं, घरों में रहो, जागृत रहो, और बचाव ही उपाय है, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू।